हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास एट्थ का सिविक्स का चैप्टर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये डिस्कस करेंगे। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। हम क्यों, ये आप क्यों सोचते हैं कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो सपोर्ट करते थे किस आइडिया को, एडल्ट के पास राइट देने का वोट होना चाहिए। जो एडल्ट्स हैं उनका वोट, राइट टू वोट, उनको वोट देने का राइट है। ठीक है, आंसर हम डिस्कस करते हैं। सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश इन 1885। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी, 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टैब्लिश की गई थी, राइट। नेशनलिस्ट लीडर्स डिमांडेड दैट देयर शुड बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर। जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनकी क्या डिमांड थी कि जो लेजिस्लेचर, जो मेंबर्स हैं, चुने हुए मेंबर्स हैं, वो इलेक्ट होने चाहिए। कहाँ, लेजिस्लेचर में, विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, किस लिए, कि बजट, जो बजट के बारे में डिस्कस हो सके और क्वेश्चंस पूछ सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो 1909 का एक्ट है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू बी लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये है, पास हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। नेशनल लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, जो नेशनल लीडर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए इस एक्ट से। क्यों, क्योंकि राइट टू वोट वॉज वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड। जो वोट देने का राइट था वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था और लिमिटेड था अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935। वोटर्स नंबर्स इंक्रीज्ड, जो वोटर्स के नंबर्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स थे वो इंक्रीज तो हुए, बट एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या थी, जहाँ 18 साल से ऊपर पर्सन को वोट देने का राइट होता है, ठीक है, बट ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ये तो इंट्रोड्यूस किया गया कि वोट देने का राइट है, ठीक है, बट ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया उसकी एज लिमिट। इंडियन लीडर्स डिमांडेड एडल्ट फ्रेंचाइज एंड हैंस व्हेन दे गॉट अ चांस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तब क्या होता है कि जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए इंडिया के लिए कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। आप समझ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो सपोर्टेड थे उन्होंने राइट टू वोट को, जो वोट देने का जिन्हें अधिकार था एडल्ट्स को, वो क्या किया, उसके उस आइडिया के सपोर्टिव थे वो लोग कि जो वोट देने का राइट है वो सभी एडल्ट को होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इन दिस 2004 मैप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉन्ग साइड रफली आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन योर स्टेट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपने ये बताना है कि आपका इस मैप को देख के आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस स्टेट में रहते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एमपी, आपके एमपी का नाम क्या है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से आपका जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं, वो कौन खड़ा होता है, हाउ मेनी एमपीज डज योर स्टेट हैव, आपके कितने एमपीज हैं, ठीक है, व्हाई आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कलर्ड ग्रीन व्हाइल अदर आर कलर्ड ब्लू। ये क्यों ग्रीन कलर क्यों किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और जो ब्लू कलर है
ये क्यों किया गया है, ठीक है। बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इन्हें ब्लू किया गया है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन्हें ग्रीन किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये आप अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स यूपी से भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हरियाणा से भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स पंजाब से हैं, कुछ स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं, कुछ स्टूडेंट मध्य प्रदेश से हैं। तो इस तरीके से जो आप लोग हैं वो आप अलग अलग, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो आप लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के आंसर खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है, और हाँ एक और बात, आपके एमपी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इवन हरियाणा के अंदर भी जो अम्बाला है, अम्बाला के रतनलाल कटारिया जी हैं एमपी, ठीक है। और भी अलग अलग जगह हैं जहाँ से एमपी एमपीज हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिटी के जो एरिया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से जो मेंबर खड़े हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको उस अकॉर्डिंग ये बताना है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन पुट है, Why are the certain constituencies colored? अभी ग्रीन कलर क्यों किया गया? क्योंकि ST है, ठीक है, ST कैटेगरी है। ST कैटेगरी की सिर्फ 41 सीट्स दे रखी हैं, जो SC कैटेगरी है ब्लू कलर उनको 79 सीट्स दे रखी हैं, और जो जनरल कैटेगरी है जो पीच कलर की हैं वो 423 सीट्स हैं। दैट मीन्स टोटल इंडिया की 543 सीट्स हैं, ठीक है। जो हमारी इंडिया की सीट्स हैं, लोकसभा की सीट्स हैं, वो हमारी 545 हैं। 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियंस हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑप्ट करते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। बाकी जो 543 हैं वो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं, जहाँ एमपीज हमारे चुन के आते हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको क्या बताया, पीच कलर की 423 सीट्स हैं, SC जो शेड्यूल कास्ट हैं वहाँ पर 79 सीट्स दे रखी हैं, और जो ग्रीन कलर की हैं ST वो 41 सीट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आप, मैंने आपको हिंट दी है, ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू हैव रीड इन चैप्टर 1 दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया हैज 3 टीयर्स। दिस इंक्लूड्स द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल। आपने ये बताना है कि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो कॉलम दे रखे हैं। इसमें क्वेश्चन पुट है, विच पॉलिटिकल पार्टी इज आर करंटली इन पावर। आपके स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर मैंने पुट इसलिए नहीं किया क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है। जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि पंजाब में कांग्रेस है, तो पॉलिटिकल पार्टी में मैं स्टेट गवर्नमेंट में क्या पुट करूँगी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। बट जो सेंट्रल में है वो कौन है, वो तो BJP है ना, तो इस वजह से मैंने, जैसे हरियाणा के अंदर BJP है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी BJP है, तो इस वजह से मैंने पुट नहीं किया। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड है, हु इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया। जो करंट रिप्रेजेंटेटिव है आपका, हु इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, जो करंट रिप्रेजेंटेटिव है आपका वो कौन है, आपके एरिया का करंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो आपने वो बताना है जिसको आप चुनते हैं, जो चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फॉर्म द अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी जो है अपोजिशन में है, ठीक है, जो पार्टी अगेंस्ट में है वो बताना है आपने, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वर इलेक्शंस लास्ट हेल्ड। लास्ट इलेक्शन कब हुए थे, स्टेट में और सेंटर में, ये आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आता है, व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड, और नेक्स्ट इलेक्शंस कब होंगे,
यहाँ हेल्ड के स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप ये करेक्ट कर सकते हैं, राइट। हेल्ड का जो स्पेलिंग है ये आपके एच ई एल डी ये आने चाहिए स्पेलिंग, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर देयर फ्रॉम योर स्टेट। अपनी अपनी स्टेट का बताना है कि जो वुमेन्स हैं वो कितनी रिप्रेजेंटेटिव खड़ी हो सकती हैं चुनाव के अंदर, कितनी वुमेन्स को खड़ा करने का राइट है, ठीक है। वैसे तो हमारे हमारी इलेक्शंस में 1/3 जो वीमेन्स हैं उनको खड़ा करने का राइट है, ठीक है। तो आप इसमें सेंट्रल और स्टेट के अंदर आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, 3 क्वेश्चंस ही थे एनसीईआरटी के। सो व्यूअर्स, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स लाने चाहिए, और अगर आपको मेरा वीडियोज़ में चैप्टर्स देखने हैं तो आप चैप्टर्स के मैंने पार्ट कर रखे हैं, तो आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8th में, ठीक है। और अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे वोट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।